अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की चमक की। कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार भारत के लिए शानदार रहा। कुश्ती में तीन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। नवीन, विनेश और रवि दहिया ने गोल्डन दाव मारा है। इन तीनों पहलवानों ने सोना जीतकर देश को गर्व करने का मौका दिया है। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। रेसलिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक जो गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रवि हैं। रवि को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। रवि भाई, घर से ही आप ये प्लान करके चले थे यहाँ पे गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए? देखो भाई साहब, लगे टारगेट टेक के आए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। पहले से एक गोल बनाया था कि हम वापस जाएंगे और देश के लिए गोल्ड जीतेंगे। आपने तीनों जो मुकाबले खेले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों आपने टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीते है ना, इसके किस तरीके से आपने तैयारी की थी या फिर आप ये मान के चल रहे थे कि मुझे कम से कम सेकंड्स में मुकाबले जीतने हैं? देखो भाई साहब, कभी ऐसा तो सोच के नहीं आते कि कम से अगर हम कब के उसमें जाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि बाउट इधर उधर भी हो जाती है। तो एक टारगेट के साथ आए थे कि अपना 100% देना है और बहुत अच्छी अच्छी दिमाग से बाउट खेलनी है और वो तकरीबन आज पूरा हुआ। टोक्यो से अगर बात की जाए यहाँ तक कॉमनवेल्थ गेम्स तक, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। टोक्यो के बाद आपने बहुत सारा वक्त भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर में दिया था, वेट भी आपने कट किया, ये सारी चीज़ें आपने कैसे जो है मैनेज की? आपने आपको दिमागी तौर पे कितना मजबूत किया? देखो भाई साहब, एक टारगेट के साथ लगे हुए थे कि एक देश के लिए जाना है। अच्छा, ऊपर सपोर्ट होता है, देखो कोचिज का सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स होते हैं उनका सपोर्ट होता है, और मैं तो एक मोटिवेटर हैं विक्रांत महाजन जी, जो मतलब उनके काफ़ी संपर्क में हूँ कि किस तरीके से एक आप टारगेट बनाओ और टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो एक अच्छे पूरी टीम के साथ चले हुए हैं और कोशिश रहेगी जहाँ भी खेलें देश के लिए गोल्ड जीतें। रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीत देश का मान बढ़ाया है।